की वजह से स्टार नौकर मारे प्लान, पर मेरी बहन है एक नंबर की कामचोर औरत। एक काम करेगा जहाँ मैं काम कर सकूँ, और मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से शिफ्ट होके। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीडे ऑफिस समर मेकअप लुक। सो बेसिकली ये वाला मेकअप लुक आप समर्स में क्रिएट कर सकते हैं ऑफिस के लिए, या अगर आपको किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है, या ऐसे ही डे आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं बट आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, तो उस केस में ये वाली वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। सो ये वाला मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है गाइज, एंड ट्रस्ट में बहुत बहुत गर्मी एंड धूप आप देख ही रहे हो, और 1.5-2 घंटे से मैं बिना पंखा कूलर के एसी के यहाँ बैठी हुई हूँ एंड मेरा मेकअप एज इट इज़ है। यस, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई थिंक मैं ठीक ठाक दिख रही हूँ एंड आज की जो वीडियो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेट करूँ, एंड मैं अभी नाइट सूट में ही बैठी हुई हूँ यार। कंगी कहाँगी ये लड़कियाँ खुले बाल रखती, भाई तो मैंने अपने बाल भी कट कर लिए एंड थोड़ा सा चिट चैट होने वाला है। गेट रेडी विद मी, मेरा मिरर नहीं मिल रहा है मुझे, मिल गया। एवरीडे बेसिस पे ये वाला मेकअप लुक कर सकते हो, सिंपल ईजी है एंड प्रैक्टिकल है, लाइक रियलिस्टिक मेकअप है। ऐसा नहीं कि यू नो समर मेकअप के नाम पे 3-4 लेयर लगा दी जिसे लगा के आप बाहर जा ही नहीं सकते, वैसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो फेस के जो भी पॉइंट्स को आप थोड़ा सा यू नो कंसील करना चाहते हो, थोड़ा सा चाहते हो कि ब्राइटन अप लगे, वहाँ पे हम कंसीलर लगाएंगे बिल्कुल हल्का बिल्कुल हल्का सा लगाऊंगी मैं। वैसे तो मैं सच बताऊँ तो मैं डेली बेसिस पे कंसीलर यूज़ ही नहीं करती, लाइक जैसे मुझे कॉलेज जाना होता है या कहीं जाना होता है तो मैं हार्डली ही कभी कंसीलर यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर। एंड फिंगर से भी काफ़ी अच्छे से ना आपका मेकअप ब्लेंड हो जाता है। पिंपल्स की वजह से स्टार नाखून मार लिया आँख में, बोल रही थी मैं भूल गई, मैंने नेल्स मार लिए अपने आँख में यार, मैं क्या ही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। यस, सो मैं डेली बेसिस पे तो मेकअप पहली बात करती ही नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं बोलूँ ऐसे स्टाइल ना मारते हुए तो मैं डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करती हूँ। और ये मेकअप भी मैं जब यू नो कुछ ऐसा होता है कि सपोज हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं या कुछ वो है तो जाना है तो मैं कर लेती हूँ मेकअप, लाइक कॉलेज वगैरह जब मैं जाती थी या अभी भी जब भी मैं जाती हूँ तो मैं ये इतना कंसीलर वंसीलर कुछ नहीं लगाती भाई, सच बता रही हूँ मैं सिर्फ यू नो कॉम्पैक्ट पाउडर या BBCC क्रीम, थोड़ा सा ब्लश लगा लिया, टिंट लगा लिया, दिल किया तो हल्का सा आई शेडो भी सेम फेस पे मार लिया, फेस पे आईज पे लगा लिया एंड यस। सो मैंने ये रीजन थोड़ा सा अपना हाईलाइट किया, और आई नो थोड़ा अनइवन लग रहा है बट ट्रस्ट मी ये ना सेटल डाउन हो जाएगा एंड काफ़ी सही न्यूट्रल सा लगने लगेगा, बिकॉज ना मेरे नोज़ के अराउंड थोड़ी सी मुझे पिगमेंटेशन फील होती है एंड ये जो एक्ने वगैरह के मार्क दिख रहे हैं मैं उसमें कम्प्लीटली कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं छोड़ देती हूँ, आप चाहो तो डेफिनेटली इसे कवर अप कर सकते हो। सबसे पहले क्रीम प्रोडक्ट्स लगाएंगे एंड उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो मैं लगाने जा रही हूँ टिंट, दिस इज़ फ्रॉम अर्थ रिदम एंड इट्स देयर लिप एंड चीक टिंट, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और मैं हर बार ना इसका नाम गलत प्रोनाउंस मतलब गड़बड़ कर देती हूँ बिकॉज मेरे पास इस ब्रांड के इतने प्रोडक्ट हैं नहीं, तो कभी कभी ना मेरे से प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम मतलब मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देती हूँ। ये ना लिटरली ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत ही इसमें बचा है लाइक, और मैं उसको ज़बरदस्ती घिस पिट रही हूँ, मतलब थोड़ा तो है ही है। पुष्कर, एक्चुअली मेरे घर पे ना मम्मी पापा नहीं है और पुष्कर है मेरे साथ, और तो मुझे ये होता है यू नो मैंने गेट खुला रखा है ताकि वो बार बार जा आ सके, बिकॉज बच्चा है खेल रहा है इधर उधर जाता रहता है, मेरा छोटे वाला भाई भी कहीं गया हुआ है। सो यस, पहले मैंने सोचा मैं अपनी बहन को बुला लूँ, पर मेरी बहन है एक नंबर की कामचोर औरत। ओके, सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ तो मेरी बहन जो है ना वो एक नंबर की कामचोर है, सो शी इज़ लाइक कि मैं आ तो जाऊँ लेकिन तू मुझे काम करने को बोलेगी, एंड आई एम लाइक कि हाँ काम तो करना ही पड़ेगा, वो कामचोर है तो मैं भी ढीठ हूँ। मैं कामचोर तो नहीं कह, मतलब वो इतनी भी कामचोर नहीं है, वो काम करती है, वो अपने घर पे करती है लाइक अपने जहाँ वहाँ रहती है ना, अपने बच्चों बच्चों का अच्छे से कर लेती है, पर हम लोगों के लिए वो काम ही नहीं करती चाहती, पता नहीं क्यों, मतलब शी एक्सपेक्ट कि हम काम करें और मैं बड़ी हूँ तो फिर वो बोलती है कि, तो इसलिए मैंने कहा तू अपने घर पे ही रह। अब बताओ ये भी कोई बात है कि मैं उसको बुलाऊं और फिर मैं खुद ही खाना बना के झाड़ू पोछा बर्तन सब करूं ना, खैर दीदी तो आती है हेल्प के लिए बट स्टिल यार बच्चों वाले घर में ऐसा होता है ना कि अगर आप एक बार झाड़ू पोछा मार दोगे तो भी आपको 2-3 बार मारना ही पड़ेगा बिकॉज बच्चे बहुत कचरा कर देते हैं,
एंड सिंपली मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा फेस जो है ना लॉक कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। अगर मुझे नेक पे जरूरत लगती है कॉम्पैक्ट पाउडर की मैं वो अप से लगा लेती हूँ, बिकॉज ब्रश से ना मुझे थोड़ा लाइट वाला इफेक्ट मिलता है, लेकिन अगर आप इससे लगाओगे ना तो यू कैन सी काफी ज्यादा अच्छे से वो हो जाता है। और मेरे ना यार भाई फेस और नेक का कलर डिफरेंस है, पता नहीं क्यों मुझे। सो यस, मैं बस इतना ही फेस को अच्छे से डैब डैब करके वो कर लेती हूँ। आई नो हो सकता है थोड़ा सा फोन में ना वाइट ना लग रहा हो मेरा फेस, पाउडरी पाउडरी सा, बट ट्रस्ट मी ये कुछ टाइम के बाद ना सेटल हो जाता है, बहुत ही सटल हो जाता है, लाइक वो मिक्स हो जाता है स्किन के साथ, तो ऐसा अलग सा कुछ नहीं लगता है। सो डोंट वरी। ओके, सो अब हम आई मेकअप की तरफ मूव करेंगे। देखिए हमारा बेस जो है ऑलमोस्ट हो चुका है, ब्लश लगाना है, ब्रॉन्जर लगाना है। अगर आप चाहो तो ब्रॉन्जर स्किप कर सकते हो, अगर आप पर ब्लश लगा लो, ब्लश अच्छा लगता है, बिकॉज हमने क्रीम ब्लश लगाया जो पूरा दिन स्टे करने वाला है, बट स्टिल वी नीड मोर ब्लश बिकॉज आई लव ब्लश। सो यस, तो यहाँ पे मैं पाउडर ब्लश यूज कर रही हूँ कलर बार का, और ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, सो बहुत ही ध्यान से यूज करते हुए देखिए इसको अच्छे से यू नो थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर की तरफ ले जाती हूँ। थोड़ा राउंड फेस है मेरा, सो आई वॉन्ट कि थोड़ा सा ऐसे यू नो अपलिफ्टेड सा लगे, स्नैच्ड सा। यार मेकअप ना अपने दिल के हिसाब से करती हूँ, मेरा जब जो दिल करता है ना, लाइक अभी स्मोकी आई करने का दिल किया तो मैं स्मोकी कर लेती हूँ, जो मन करता है वो कर लेती हूँ। एंड यस, बेस मेकअप इज डन। थोड़ा सा ना मैं हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ना अपने नोज को ब्रॉन्ज करना चाहूंगी, बिकॉज काफी ना मुझे लग रहा है मैंने यहाँ कंसीलर वगैरह लगाया, तो थोड़ा सा कर लेते हैं ना, क्या ही जाता। मैं हल्का सा ऐसे ब्रॉन्जर लेती हूँ, फिंगर में मिक्स किया एंड दिस, जस्ट दिस, और हो गया ब्रॉन्जर। मेरी नोज के लिए ये वाली टेक्निक इतना अच्छा वर्क करती है ना, आपको इंस्टेंट डिफरेंट दिख रहा होगा। मेरे लिए ये टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करती है। ये मेकअप हैक लास्ट ईयर मैंने देखा था कहीं से और मैंने ट्राई किया और मुझे अच्छा लगा, एंड मैं इसे अभी तक यूज कर रही हूँ। सो गुड, अगर आप ब्रॉन्जर लेने का सोच रहे हो ना तो आप शुगर का ब्रॉन्जर ट्राई कर सकते हो, वो बहुत ही सही है। बेस मेकअप इज डन, नाउ मूव ऑन टू आई मेकअप। आई मेकअप में आपको ब्राउज जरूर से फिल करनी है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बिकॉज मैं बातें कर रही हूँ गाइस, अगर मैं बातें नहीं कर रही होती ना तो सच में 5 मिनट 2-3 मिनट में मैं सारा मेकअप दिखा देती, और बातें करती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है मैं बातें बातों में ही लग जाती हूँ, फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहता है। लाइक ध्यान रहता है बट आई एम लाइक कुछ बातें करते हैं ना, दिल की बातें। वैसे मैं एक चिट चैट लाइफ अपडेट वीडियो लाऊंगी आपके लिए, मे बी हो सकता है इससे पहले ही आ गई हो या इसके बाद आए, बट गाइस ट्रस्ट मी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अब लेकर आने वाली हूँ लॉन्ग फॉर्मेट की, बिकॉज अभी क्या था ना मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी। एक तो मेरे कॉलेज, मेरे एग्जाम था, काफ़ी कुछ था, मेरी डिग्री भी थी। सो अभी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, मास्टर्स कंप्लीट किए, वो मैं आपको Q&A के वे में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या किया। सो तो अब ना क्या है कि मैं थोड़ा सा अब क्या बताऊँ, Q&A में ही बताऊंगी, बट हाँ अभी मैं काइंड ऑफ यू नो कंटेंट बनाने के लिए मेरे पास टाइम है। अभी मैं अच्छे से डेडिकेटेडली क्या होता है डेडिकेट होके अच्छे से एक यू नो प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही हूँ। बस मुझे अब अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, लाइक फिजिकली, मतलब ऐसे रूम वगैरह चाहिए एक पर्सनल, जहाँ मैं काम कर सकूँ। और मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से शिफ्ट होके एक नई स्पेस में शायद शिफ्ट कर जाऊं, बिकॉज मेरे घर में काम करना थोड़ा मुश्किल है। अभी भी मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैं इतनी आराम से वो कर रही हूँ, नहीं तो मेरे घर में कभी कूलर चला लेंगे, कभी कोई बर्तन ठक ठक, कभी कोई कुकर, कभी कुछ। एंड थोड़ा सा प्राइवेसी का भी इशू रहता है, लाइक यू नो बच्चों वाला घर है एंड इतना बड़ा घर भी नहीं है, बट वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है, बिकॉज शहरों में तो आपको पता ही है 2 BHK 3 BHK क्वाइट एक्सपेंसिव। सो बस मुझे ऐसा लगता है ऐसे वर्क वाला इन्वायरमेंट नहीं मिलता मुझे घर में, सो मे बी। बाकी मैं Q&A में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। यस, एंड ये रहा मेरा आईब्रोज, अच्छे से डन होगी। अब आईज में अगर आप आई शेडो लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको एक दो छोटे मोटे वो दिखा देती हूँ। सो ये पैलेट है पेक्सो की आई शेडो पैलेट, एंड ये मुझे बहुत बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना सारे शेड आपको मिल जाते हैं। आप देखो शिमर भी है, ग्लिटर भी है, शिमरी शेड है, ब्राउन टोन्स है, ब्लैक, सब कुछ है। आप यू नो कोई भी आई लुक इससे क्रिएट कर सकते हो।
सो मैं सोच रही हूँ कि मैं हल्का सा आइस को हल्का सा डेप्थ दे दूँ, ब्राउन कलर से थोड़ा सा इसको वो कर दूँ, हल्का सा ब्राउन कलर लगाएंगे ताकि हमारी आइज को हल्का सा शेप मिल जाए। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन तो नहीं है ये, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला ब्राउन कलर लिया मैंने। एंड जस्ट सिंपली इसको पूरी आईलेट पे ऐसे अप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमने ना कंसीलर लगाया तो काफी ऐसे एकदम ऐसे फ्लैट सा हो रहा है लुक, सो ये वाली चीज काफी सही रहेगी। बिल्कुल हल्का सा लगाना है आपको, बिकॉज आप ये एवरी डे ऑफिस काइंड ऑफ लुक कर रहे हैं, हमें कोई पार्टी में नहीं जाना है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे रखना है कि हाँ भाई ऑफिस जाओ तो ये भी ना लगे कि ये देखो क्या क्या फैशन शो में आई है। वैसे तो ऑफिस में भी बंदे अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, मुझे पता है। किसी दिन मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी ना, वैसे मैंने काफी कुछ किया है लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट, सब बताऊंगी। ऑफिस की कहानी भी ऐसी दुख भरी कहानी है ना मेरी, दुख भरी क्या, बस ऐसे कमाल की भी है, बस वियर्ड काइंड ऑफ। एंड हल्का सा अगर नीचे जाओ लोअर लैश लाइन पे तो कर सकते, बट मुझे आज इतना नहीं लग रहा कि मुझे करना है। ओके सो आई डोंट नो पता चल रहा है या नहीं फोन में, बट इसमें तो शीशा भी नहीं है, बट रियल में ये लग रहा है थोड़ा सा आईज पे, ब्राउन कलर का वो हल्का सा स्लाइडली दिख रहा है। नाउ आईलाइनर अप्लाई करना है, अगर आप चाहो तो डेली में ब्लैक आईलाइनर लगा सकते हो। अगर आप आईलाइनर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको ये किट रेकमेंड करूंगी, पॉपेक्सो की लिक्विड आईलाइनर किट आती है, इसमें तीन लाइनर मिल जाएंगे आपको। सो आज मैं ब्राउन ब्राउन कलर की लाइनर लगाने वाली हूँ, बिकॉज मेरा ब्राउन लगाने का मन है। क्या है, सो ब्राउन लाइनर लगाएंगे एंड इसको अच्छे से लगाना ताकि दोनों आईज में सेम लग सके। ये अपने आप में एक टास्क है, और जब मैं ये काम कर मेरे ना दिल ऐसे धक धक हो जाता है, बट कोई बात नहीं मैं कर लूंगी। आई थिंक दे लुक प्रिटी सिमिलर, विंग बना लू हल्का सा। ये कमाल भी यार, मुझे ना धूप इधर शिफ्ट हो रही है, मुझे ये लग रहा है थोड़ी देर में मेरे थोबड़े पे धूप आने वाली है, सो उससे पहले हम ये मेकअप लुक कंप्लीट करेंगे। सो आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। ओके अब क्या लगाना है, मस्कारा। सिंपली थोड़ा सा मैं वियर्ड फेसेस बनाऊंगी, बट माफ करना। के लिए हम यूज करेंगे ब्राउन न्यूड कलर, ब्राउन कॉम्बो, बिकॉज आज मैं ब्राउन टॉप पहनने वाली हूँ। सो ये ब्राउन लिप लाइनर है जो कि मुझे लग रहा है शार्प करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो बेसिकली क्या हुआ था ना, मेरा माइक हो गया था डिस्चार्ज और मुझे पता ही नहीं था, एंड मैं बोली जा रही थी, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, लाइक वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगाया है, देन ये न्यूड ब्राउन सा कलर लगाया है, दिस इज शेड फ्रॉम पॉपेक्सो राइड और डाई करके, ये इनका तीन लिपस्टिक का कॉम्बो आता है, तो उसमें से। और अभी अगर करंटली मेरे पीछे से शोर आ रहा है तो रियली सॉरी, गली के बच्चे खेल रहे हैं, अब उन्हें मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया, और ये वाला मेकअप लुक ना एवरी डे के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छा है। आप कंसीलर या जैसे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, BBCC क्रीम, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में मेकअप फिक्सर ज़रूर से अप्लाई कर लेना, मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही सही मेकअप फिक्सर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड ऐसे जो है मतलब आप मेकअप फिक्स कर लो और आपका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका, ऑलमोस्ट क्या कम्प्लीटली डन हो गया। एंड ये वाला टॉप मैंने पहना था एंड मैंने शॉट लेने की कोशिश की, बट माइक की वजह से मैं नहीं ले पाई। एंड या गाइस, दैट्स अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।